चैनल से। दोस्तों आज एक खबर जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अमेठी के अंदर राहुल गांधी जी का रैली थी। उस रैली के दौरान जो है राहुल गांधी जी ने कुछ पीएम जी का जो है हमारे कुछ पत्रकार वहां मौजूद थे और उनके जरिए से जो है ये संदेश पीएम मोदी को देना चाहे हैं और कहा भी है कि चौकीदार एक चोर है। दूसरी चीज है तो एक इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है अभी जो है राहुल गांधी ने एक मीडिया के सामने अपना एक पक्ष रखा है। आइए खुद आप सुनिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा क्लीन एकदम से जो ये आज के जो तुम्हारे पीएम मोदी हैं उनका किस तरीके से उन्होंने पर्दाफाश किया है, किस तरीके से उनकी सच्चाई जो है एक लोगों के सामने लेके आया है। राफेल मामले में 30,000 करोड़ रुपए एयरफोर्स से चोरी करके अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाला गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, HAL कंपनी को नहीं जाना चाहिए, हिंदुस्तान में जहाज नहीं बनना चाहिए, 1600 करोड़ रुपए का खरीदा जाना चाहिए। चोरी हुई है, एयरफोर्स के अफसरों ने लिखा है कि प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे थे। डिफेंस मिनिस्टर पारिकर जी ने कहा कि भैया मैं दूसरी डील के बारे में जानता ही नहीं हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। तो कहूंगा चौकीदार जनता कहेगी लेकिन राहुल जी ये तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए ओपन डिबेट जहां भी आप चाहें। मैंने 10-15-20 बार चैलेंज दिया, जहां भी आप चाहें मैं आ जाऊंगा, रेसकोर्स रोड आ जाऊंगा, बुलाएंगे तो मैं आपके ऑफिस में आ जाऊंगा। मैं राहुल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।